Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Rudhi Agarwal and I am here with an important topic for law optional or your CLAT examination, that is Indian Penal Code, IPC. तो जैसा मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि हम आईपीसी स्टार्ट करेंगे, तो आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे. आईपीसी है क्या, कॉन्ट्रोवर्सीज क्या हैं, अमेंडमेंट्स क्या हैं और कौन कौन से इसमें सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, हम उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से. द इंडियन पीनल कोड, इट इज़ द मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट द आईपीसी और द इंडियन पीनल कोड, इट इज़ द मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया. ये एक मेन क्रिमिनल कोड है जो कि इंडिया का है. एंड इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंटेड टू कवर ऑल द सब्सटेंसिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ. और ये कॉम्प्रिहेंसिव कोड है जिसमें जितने भी क्रिमिनल लॉज होते हैं उन सब के एस्पेक्ट्स, जितने भी उनके सब्सटेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, वो सब इस लॉ में, इस कोड में सॉरी, कवर होते हैं. इट वॉज ड्राफ्टेड इन 1860, इसलिए इसे आईपीसी 1860 भी बोलते हैं कई बुक्स में या कई जगह पर लिखा रहता है, बिकॉज इट वॉज ड्राफ्टेड इन 1860. और ये 1860 में किसके रिकमेंडेशंस पे ड्राफ्ट किया गया था? इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1834 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो जो चार्टर एक्ट आई थी 1833 की, उसके अंडर हमारी फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी 1834 में, और उसके रिकमेंडेशन पे ये जो हमारा इंडियन पीनल कोड है इसे ड्राफ्ट किया गया था 1860 में. ठीक है, देन द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस बैबिंगटन मैकॉले. तो इनका आपको नाम याद रखना है, दैट हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द दिस फर्स्ट लॉ कमीशन, दैट इज द थॉमस बैबिंगटन मैकॉले. Now it came into force in British Raj or British India during the early British Raj period in 1862. ठीक है ना, ये 1860 में ड्राफ्ट हो गया था, but it came into force in 1862. तो जब ये इफेक्टिव हुआ उसका जो है ईयर अलग है, और ये ड्राफ्ट हुआ उसका ईयर अलग है. तो इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा. 1860 में इट वॉज ड्राफ्टेड, बट इट केम इन टू इफेक्ट और इट केम इन टू फोर्स इन 1862. However, at that time, it did not apply automatically in the princely states. क्योंकि उस समय princely states थे, ठीक है ना, तो उनमें directly apply नहीं हुआ था, क्योंकि उन सबका खुद का legal court और legal system, courts और legal system होते थे. 1940s तक उनके खुद के थे. बाद में वो जो unification हुआ था उसमें princely states को सब में merge कर दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उसके बाद से अलग हुआ था, वरना princely states जो थे उन सबके खुद के courts और legal aspects थे. तो इसलिए वो डायरेक्टली ये लॉ उन सब पे नहीं लगा था. उसके बाद इस कोड को काफ़ी बार अमेंड भी किया गया है. सो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इंडिया एम्पायर, मतलब जब ब्रिटेन ने, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो है पार्टीशन कर दिया, उसके बाद जो आईपीसी था इट वॉज इनहेरिटेड बाय इट्स सक्सेसर स्टेट्स. और सक्सेसर स्टेट्स कौन कौन से थे? डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है ना, तो ये दो सक्सेसर स्टेट्स बन गए थे ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के. सो और जैसे इंडिया में इसका नाम इंडियन पीनल कोड है, वैसे ही जो हमारा पाकिस्तान है वहाँ पे इसका नाम है PPC, दैट इज पाकिस्तान पीनल कोड. ठीक है ना, यही कोड है, लेकिन इंडिया में इसका नाम आईपीसी है और पाकिस्तान में इसका नाम PPC है. देन एक है रणबीर पीनल कोड, ठीक है ना, रणबीर पीनल कोड भी है एक, RPC जिसको बोलते हैं. इट इज़ एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना. तो आईपीसी जो है वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है. जम्मू कश्मीर में जो एप्लीकेबल है वो है रणबीर पीनल कोड. इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस कोड, बट इट्स नेम इज़ डिफरेंट. ओके, देन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान द कोड कंटिन्यूड इन फोर्स देयर. फिर जब 1971 जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उसमें जब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से सेपरेट हुआ, तो बांग्लादेश में ये लॉ कंटिन्यू रहा. इट वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ इन कॉलोनियल बर्मा, ठीक है ना. जो हमारा कॉलोनियल बर्मा था, यानी कि जो म्यांमार है, सेलोन यानी कि श्रीलंका जो है, ठीक है ना, सेलोन एंड द स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स जो कि मलेशिया का पार्ट है अब, उन सब में भी ये काफ़ी जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इस लॉ को, इस कोड को अडॉप्ट किया. सिंगापुर में भी, ब्रूनी में भी, ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ में है आईपीसी जो है वो अडॉप्टेड है. नाउ लेट्स टेक सम हिस्ट्री ऑफ दिस. सो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इट वॉज ड्राफ्टेड बाई द फर्स्ट लॉ कमीशन विच वॉज चेयर्ड बाय
T.B. Macaulay in 1835, Macaulay, and it was submitted to the Governor General of India Council in 1837. ठीक है ना, तो 1833 में चार्टर एक्ट आई थी, उसने फर्स्ट लॉ कमीशन बनाई 1834 में, उसने इसको ड्राफ्ट किया 1835 में, ठीक है, और फिर ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ इसका, ठीक है, और सबमिट हुआ 1837 में. तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं. Then its basis is the law of England, freed from superfluities, technicalities and local peculiarities. ठीक है ना, तो इसका basis क्या है, law of England करके एक law है जो कि ब्रिटेन में है, इसका basis जो IPC का basis है वो वहीं से लिया गया है, ठीक है ना, और इस law में से ये superfluous चीज़ें होती हैं या technicalities, mistakes वगैरह वो सबको remove करके जो बना है वो है IPC. Okay, then the elements they were also derived from Napoleonic code. ठीक है ना, तो जो Napoleonic code है, ठीक है, उसमें से भी इसके कुछ characteristics लिए गए हैं, and also from the Edward Livingston Louisiana Civil Code of 1825. तो सिर्फ अकेले जो है खुद ही draft नहीं हुआ है, law of England से लिया गया है, Napoleonic code से लिया गया है, और जो Louisiana Civil Code है उसमें से भी काफ़ी चीज़ें इसमें ली गई हैं. तो जो फर्स्ट फाइनल ड्राफ्ट था आईपीसी का, इट वाज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल इन 1837, ठीक है, बट इसको वापस रिवाइज करने को बोला गया. देन द ड्राफ्टिंग फिर वापस से 1837 के बाद 1850 में कंप्लीट हुई, एंड द कोड वाज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856, ठीक है ना. तो ड्राफ्ट क्या है, कंप्लीट किया 1850 में और कोड को रिप्रेजेंट कर दिया या प्रेजेंट कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1856 में. But it did not take its place on the statute book of British India until a generation later, following the Indian Rebellion of 1857. ठीक है ना, लेकिन 1857 का जो Indian Rebellion हुआ था उसके बाद ही इसको मान्यता मिली, उससे पहले इसको place नहीं मिला, इसको जगह नहीं मिली statute book of British India में. Then it again underwent a very careful revision and at the hands of Barney's Peacock. ठीक है ना, तो बार्नेस पिकॉक करके एक सज्जन थे, उनके हाथों से अगेन इसको रिवाइज करवाया गया, ठीक है, हु लेटर बिकम्स द फर्स्ट, ठीक है ना. और ये जो थे ये पहले चीफ जस्टिस बने थे कैलकटा हाई कोर्ट के. ये ध्यान नाम इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इन्होंने रिवाइज किया था इस कोड को और बाद में ये चीफ जस्टिस बने थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकटा हाई कोर्ट. ओके, देन इट वॉज पास्ड इंटू लॉ ऑन 6 अक्टूबर 1860, ठीक है ना. फिर इसको 6 अक्टूबर 1860 को एज अ लॉ पास कर दिया गया, इसलिए बोलते हैं इसे आईपीसी 1860. बट इट केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1862, राइट गाइस. देन ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 1860 में इट वाज ड्राफ्टेड, इट वाज मेड इनटू अ लॉ, बट इट वाज पास एज अ लॉ, बट इट केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1862. Now let's see what are the objectives of this law. The objective of this act or this code is to provide a general penal code for India. Okay, then the act, it does not repeal the penal laws. So the act, it does not repeal the penal laws which were in force at the time of coming into force in India. But it was so because the code does not contain all the offenses. Ab hua kya? Isme jo ek code tha, iska tha ki ek पर्टिकुलर एक ही पीनल कोड होना चाहिए पूरे इंडिया का. मतलब कुछ भी आपने सपोज करो आपने किसी का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लिया, किसी को बंद कर रखा है कमरे में, तो आपने चाहे केरला में बंद कर रखा है या चाहे जम्मू कश्मीर में बंद कर रखा है, तो आपके लिए एक ही सज़ा होगी. इसका मेन जो पॉइंट था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था. देन दो दिस कोड कंसोलिडेट्स द होल ऑफ द लॉ ऑन द सब्जेक्ट एंड इज एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट डिक्लेयर्स द लॉ. Many more penal statutes governing various offences have been created in addition to the code. तो माना कि ये जो कोड है इसके अंदर whole of the law जो है on the subject वो पूरा का पूरा इसमें present है, ठीक है ना, और जिसमें ये declare करता है law, ऐसे matters भी इसमें present है, but फिर भी इसके addition में भी काफ़ी सारे जो है penal statutes create किए गए हैं. एक अकेला यही law नहीं है कि सिर्फ यही हो गया जो भी है, मतलब महामहिम टाइप का लॉ सिर्फ यही हो गया. इसके एडिशन में भी काफ़ी पीनल स्टैट्यूट्स हैं जो कि अलग अलग ऑफेंसेस के लिए हैं, वो भी क्रिएट किए गए हैं इसको सप्लीमेंट करने के लिए. ओके, देन व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर.
So, in today's lecture, I am just talking about the brief structure. We will take each and every section in the upcoming lectures in detail. Okay, guys? So, this is just an introductory chapter. So, please just listen very carefully to the structure of the code. Now, the Indian Penal Code of 1868 is subdivided into 23 chapters. And these 23 chapters consist of 511 sections. So now I will tell you about the distribution of the section in various chapters and what they are based on. Now the first chapter is section 1 to 5 is present in the first chapter, and it gives the introduction about the IPC. Then chapter 2, which contains section 6 to 52, there are many sections in this chapter, they provide general explanation about the IPC, about the offenses, general explanations about everything. Then the third chapter talks about the punishments of every type of punishments. So 53 to 75, the general punishments we gave to the criminals, that. Then chapter 4 talks about the general exceptions, which are, there are some exceptions in the law, there are always some exceptions in a law or act or order. So it talks about the general exceptions. Then chapter 5, it talked about the abatement. Now what is abatement? Abatement is, agar aap kisi ka saath de rahe hain, theek hai na, bahut hi tan man dhan se aap kisi ka saath de rahe hain, but kisi galat kaam mein, to use abatement bolte hain. Aap usko strongly support kar rahe ho, achhi baat hai, but in a wrong doing. So it is known as abatement. So it talks about the abatement. Then there is chapter 5A also. It talks about the criminal conspiracy. ठीक है ना, तो जितनी भी conspiracies होती हैं उनके बारे में ये बताता है. Then chapter 6, it tells about the offences against the state. जो भी state के against offences होते हैं, कोई terrorist attack हुआ, ये सब, मतलब जो भी offences होते हैं against the state, वो बताता है ये. Then chapter 7 talks about the offences relating to our three main important forces, that is army, navy or air force. अगर इनके against कुछ भी offence हुआ, कुछ भी गलत काम हुआ, उसके बारे में ये बताता है. Then comes the next chapter, that is 8th. It talks against of offences against the public tranquility. We will talk about all these sections, okay? So don't worry. Then chapter 9 talks about the offences by or relating to the public servant. Okay, so there is some IAS or there is some judge or a lawyer, anyone. Okay, so agar wo kuch offence kar rahe hain, ya unke dwara ya unse related koi bhi offence hoga, uske bare mein chapter 9 mein bataya gaya hai. Fir agar election se related kuch bhi galat cheez ho rahi hai, to wo chapter 9A mein bataya gaya hai. Then chapter 10, it talks about the contempt of lawful authority of public servants. Public servants ko leke bhi kafi sare chapters hain hamare Indian Penal Code mein. So this one again on the public servants. Then 11th is evidence and offences against the public justice. A public justice hai, kuch bhi kaam ho, kuch bhi galat kaam ho gaya, theek hai na, public ko justice chahiye. To koi bhi false evidence hai agar uske against ya offence hai koi against public justice, uske baare mein ye baat karta hai. Then 12th one, it talks about the relating to the coin and government stamps. अगर आपने government stamps में कुछ जो है कुछ घोटाला कर दिया है, ठीक है ना, बहुत सारे जो हैं scams भी होते हैं, ठीक है. Then अगर आपने forgery की है, अगर आपने कुछ भी वो बोलते हैं हम जैसे गलत काम किया है government stamps को लेके, ठीक है ना, कुछ भी fraudulent work किया है, तो ये उसके बारे में बताता है कि उसके बारे में आपको क्या क्या सजा मिलेगी उसमें. Then 13th chapter talks about the weight and measures. ठीक है ना, कई बार होता है weight and measures में आप अपना weight मत समझ लेना कहीं, right? तो weights and measures जो international और standards weights and measures होते हैं हमारे, उनसे अगर कुछ छेड़खानी करी है, उनसे अगर कुछ उनका अगर कुछ fraud किया है, तो उसके बारे में. Then the chapter 14th talks about the offences affecting the public health, safety, convenience, decency and morals. ठीक है ना, अगर public को कोई भी public की health पे, safety पे कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है ना, उनके against कुछ हो रहा है, उनकी decency को कम कर रहा है, उनकी convenience को, उनको inconvenient कर रहा है, तो उसके बारे में जितने भी offences हैं उसके बारे में बताता है. Then the 15th chapter, it tells about the religion. ठीक है ना, अगर आप
सपोज करो करो कोई मंदिर तोड़ दिया आपने, अगर आप मुस्लिम हो या आप हिंदू हो तो भी आपने कोई मंदिर तोड़ दिया, या आप जो भी रिलीजन की जगह है उस पर कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं या कुछ भी और भी जो भी आप करते हैं, जो भी कोई भी करता है, आप नहीं, आई मीन जो भी कोई करता है गलत काम, तो वो ऑफेंस, आप किसी को गाली दे रहे हैं, कुछ भी है, यू आर अब्यूजिंग समवन और एनी थिंग, इट कैन इंक्लूड एनी थिंग। देन 16th इज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, तो अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी कुछ भी हो सकता है, आप सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं किसी को, फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं किसी को, तो ये सब चीज़ें होंगी। आप जब कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ को रोज पीटता है, तो इस टाइप के अपने बच्चों को रोज पीटता है, वो इस टाइप के ऑफेंसेस इसमें आते हैं। देन द 17th चैप्टर इंक्लूड्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में तो बहुत फॉर्जरी वगैरह होती हैं, फ्रॉड्स होते हैं, बच्चों ने अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी हथिया ली या एक इंसान ने दूसरे की प्रॉपर्टी हथिया ली नकली साइन करा के, और ये सब, तो ये सब इसमें आएगा। देन द 18th चैप्टर इंक्लूड्स ऑफेंसेज रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, अगेन डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी मार्क्स के लिए है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आपके ऑफिस का डॉक्यूमेंट है, आपने अपने बॉस से चुरा लिया, उसको किसी और को भेज दिया, टेंडर वगैरह की जो आती हैं वो सब इसमें आती हैं। देन द 19th चैप्टर इंक्लूड्स द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस, ठीक है ना, अगर आप किसी के अंडर कुछ सर्विस कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है आपने कि हाँ आप 4 साल यहाँ काम करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया, आपने उसको मार दिया कि आपको काम नहीं करना है, या उसको कुछ ऐसा मतलब क्रिमिनल कोई वर्क कर दिया आपने वहाँ पर, तो वो चीज़ आती है इसमें। देन 20th चैप्टर डील्स विद द मैरिज प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, तो ऑफेंसेज रिलेटिंग टू मैरिज वही फिजिकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, मैरिटल रेप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं आपके, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। देन 21st इंक्लूड्स द डिफेमेशन केस, किसी को किसी ने बदनाम कर दिया, डिफेम कर दिया किसी भी चीज़ के लिए, वो केसेस, इस टाइप के केसेस इसमें इंक्लूड हैं। देन द सेकेंड लास्ट चैप्टर दैट इज 22nd इंक्लूड क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंसल्ट अनॉयंस, अगर आपने किसी को क्रिमिनली इंटिमिडेट किया है, किसी को डरा रहे हैं आप, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब इसमें आता है। एंड द लास्ट चैप्टर इंक्लूड्स द लास्ट सेक्शन ओनली, दैट इज़ द 511th सेक्शन ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस, ठीक है ना, अगर आपने ऑफेंस कमिट करने की कोशिश करी है, ठीक है ना, ये सब तो ऑफेंस कमिट किए हैं, जो ये सब चीज़ मैंने आपको अभी ऊपर बताई, इसमें अगर आपने ऑफेंसेस कमिट करने की कोशिश की है, उससे डील करता है ये लास्ट वाला चैप्टर। तो मैं इन सब चैप्टर्स को और एक एक सेक्शंस को पूरे अच्छी तरह से डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, इसलिए आप ये लोग सोचना मत कि मैंने आपको छोटे में ही ख़त्म कर दिया है, तो आई विल रीड अबाउट ऑल दी सेक्शंस इन डिटेल, ठीक है ना, कौन सा सेक्शन किस तरह के, अब रिलीजन से ऑफेंसेस बहुत सारे होते हैं, जब भी 4 सेक्शन रिलेटेड हैं तो अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस हैं, या अगेंस्ट मैरिज के लिए 5 ऑफेंसेस हैं, 5 सेक्शंस हैं हमारे, तो अलग अलग टाइप के हैं मैरिज में, कौन सा सेक्शन किस चीज़ के लिए बना है, ठीक है। नाउ देर आर सम कॉन्ट्रोवर्सीज ऑल्सो रिलेटेड टू दी IPC, सो कुछ सेक्शंस हैं ऐसे IPC के विच आर कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है ना, एंड दे आर ऑल्सो चैलेंज इन कोर्ट्स क्लेमिंग एज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो उन्हें इस टाइप के जो सेक्शंस हैं हमारे IPC में, उन्हें कोर्ट्स में क्लेम भी किया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हैं। ऑल्सो देर इज़ डिमांड फॉर अबॉलिशन ऑफ सम कॉन्ट्रोवर्शियल IPC, और फिर डिमांड भी हुई है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल IPC के सेक्शंस हैं जिन्हें आप या तो पार्शली अबॉलिश करिए या कम्प्लीटली अबॉलिश कर दीजिए। तो इस तरह के ऑफेंसेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक है सेक्शन 377 हमारा, ठीक है, अननेचुरल ऑफेंसेज आते हैं, उसमें क्या होता है, हुएवर वॉलंटरली हैज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन वुमेन और एनिमल शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा, अगर किसी ने भी वॉलेंटरली इंटरकोर्स किया है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, चाहे वो किसी आदमी के साथ किया है या किसी वुमन के साथ किया है या एनिमल के साथ किया है, तो उसे पनिश करना चाहिए ऐसी टर्म के लिए जो कि 10 साल तो होना ही चाहिए, एक्सटेंड होनी चाहिए, वो 10 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इतनी टर्म होनी चाहिए, और उसे फाइन भी देना चाहिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं हम, लाइक पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स, ठीक है ना, तो कार्नल इंटरकोर्स क्या इंक्लूड करता है, अगर आपने सिर्फ पेनिट्रेशन कर दिया है दैट ऑल्सो इज सफिशियंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स,
necessary to the offence, जो कि इस section में describe हुआ है. अब हुआ क्या, Delhi High Court ने 2 July 2009 को they gave a liberal interpretation to this section and they laid down कि this section cannot be used to punish an act of consensual sexual intercourse between two same sex individuals. तो उसमें ये कहा गया कि ये section उन लोगों को punish नहीं कर सकता जो कि consensual sexual intercourse कर रहे हैं और दोनों एक ही sex के हैं, like two males और two females. Then हुआ क्या, 2013 को December में Supreme Court of India ने overrule कर दिया इस judgment को जो 2009 में Delhi High Court ने दिया था, and it clarified that the section 377 it holds the same sex relations unnatural. ठीक है ना, तो उन्होंने यही कहा कि same sex relations are unnatural, unnatural offences ही है इसका नाम. So उन्होंने जो judgment दिया था उसको overrule किया और उन्होंने कहा कि section 377 which holds the same sex relations unnatural it does not suffer from unconstitutionality. तो इसमें कुछ भी unconstitutional नहीं है, ये सही है. और बेंच ने ये भी कहा कि वी होल्ड दैट द सेक्शन 377 डज नॉट सफर फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड द डिक्लेरेशन मेड बाय द हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इट इज़ लीगली अनसस्टेनेबल. ठीक है ना, तो उन्होंने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है सेक्शन 377, बल्कि जो जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है इट इज़ अनसस्टेनेबल. देन नेक्स्ट कम द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड. सो द सेक्शन 309 जो है आईपीसी का, इट डील्स विद एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू सुसाइड. सपोज करो आपने अपने हाथ की नस काट ली बट योर पेरेंट्स सॉ दिस, ठीक है ना, और वो आपको ले गए हॉस्पिटल और आप बच गए. ठीक है, या आपने छत से छलांग लगा ली बट लकीली यू आर सेव्ड, तो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एंड इट इज डील्ड विद द सेक्शन 309. तो अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड एंड डूइंग एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year. ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इम्प्रिजनमेंट दे रखा है आपको, 1 साल की जेल होगी और विद फाइन और विद बोथ. ठीक है ना, या फिर आपको फाइन देना पड़ेगा या फिर दोनों चीज़ें, जेल भी होगी और फाइन भी होगा. अब कंसिडरिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिसम्बर 2014 इट डिसाइडेड टू डीक्रिमिनलाइज. ठीक है ना, तो 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोच लिया कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करेंगे. ठीक है ना, और जो 309 सेक्शन जो है उसको स्टैट्यूट बुक से हटा देंगे. सो इस डिसीजन से काफ़ी लोगों ने फेवर किया बट कुछ ने इसको मना किया कि है ना, अगर आपने लॉ नहीं किया तो हर कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा और फिर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी जो है उनकी बढ़ जाएगी. फिर क्या हुआ, फरवरी 2015 में जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दे वर आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिपेयर ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल इन दिस रिगार्ड एंड इन ऑगस्ट 2015 रूलिंग जो राजस्थान हाई कोर्ट है, इट मेड द जैन प्रैक्टिस ऑफ अंडरटेकिंग द वॉलंटरी डेथ, जिसको हम संथारा बोलते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, जो जैनी लोग हैं आप में से वो तो जानते ही होंगे अच्छी तरह से, तो उसे पनिशेबल कहा इन्होंने अंडर द सेक्शन 306 एंड 309 ऑफ द आईपीसी 2015 की रूलिंग में. तो इससे कंट्रोवर्सी हो गई कि जिसमें जैन कम्युनिटी ने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इसको उन्होंने जो है स्टैट्यूट बुक से हटाने की सोची थी और ये तो ड्रॉप कर ही दिया था कि डीक्रिमिनलाइज हो गया है. बट संथारा भी एक तरह से अटेम्प्ट टू सुसाइड ही है, आप खाना पीना छोड़ रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल फेस द डेथ. तो एक खुद की पर्सन की लाइफ जो है आप एंड कर रहे हो तो वो एक, उन्होंने कहा कि इट्स शुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस. देन कम्स द अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 497. तो सेक्शन 497 इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द वन हैंड फॉर एलिजिबली ट्रीटिंग द वुमेन एज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड. ठीक है ना, तो सेक्शन 497 को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये कहता है कि वुमेन इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड. तो दो पॉइंट पे इसे क्रिटिसाइज किया गया, तो इस पे, दूसरा फॉर गिविंग द वुमेन कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट पनिशमेंट फॉर अडल्ट्री, और दूसरा ये कि वुमेन को कंप्लीट प्रोटेक्शन दी जा रही है अगेंस्ट द पनिशमेंट फॉर अडल्ट्री. अडल्ट्री के बारे में मैंने अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी बात करी थी, अगर आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको वापस बता देती हूँ. अगर देयर इज अ कपल सपोज, ठीक है ना, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल,
एंड देर इज़ एन अनदर मेल, ठीक है ना, अगर वो उसने कहा कि हाँ आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विद योर वाइफ, ठीक है ना, और इसने जो है परमिशन दे दी, ठीक है ना, और ये भी उसके साथ इंटरकोर्स कर रही है, तो इसे एडल्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो पनिशमेंट है वो इस मेल को दिया जाता है, तो यही बताया गया कि ऐसा क्यों, क्योंकि वुमेन के भी कंसाइंस से हो रहा है वो चीज़, तो उसे भी उतना ही पनिशमेंट देना चाहिए इस जितना इसे। तो ये वाला जो लॉ है आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में आ रहा है, तो ये सेक्शन अच्छी तरह से एक बार आप रीड आउट करिएगा, मैं आपको और अच्छी तरह से बता दूंगी। बस मैं कॉन्ट्रोवर्सीज़ के उसमें बता रही हूँ कि एक तो वुमेन को प्राइवेट प्रॉपर्टी बताया हस्बैंड की, और दूसरा उसे कंप्लीट प्रोटेक्शन दिए कि एडल्ट्री के केस में उसे कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगी। देन कम्स दी डेथ पेनल्टी। सो अब डेथ पेनल्टी का तो ये है कि हमेशा डिबेट चलती रहती है इस चीज़ पे कि जो कैपिटल पनिशमेंट है उसे अबॉलिश कर दिया जाए। काफ़ी कंट्रीज़ ने अबॉलिश कर भी दिया है, बट इंडिया में अभी अबॉलिश नहीं हुआ है ये। तो इसको, इससे रिलेटेड काफ़ी सेक्शंस है, लाइक सेक्शन 120 भी, इट इज़ फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देन द सेक्शन 121, 122, 194, बहुत सारे हैं, तो मैं इन सब के बारे में ही बता देती हूँ आपको। 121 इज़ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन 122 इज़ म्यूटिनी। 194 इज़ फॉल्स एविडेंस टू प्रोक्योर द कन्विक्शन फॉर अ कैपिटल ऑफेंस। 303 and 302 आर फॉर मर्डर। 305 आर अबेटिंग सुसाइड। वही अबेटमेंट, अगर किसी के सुसाइड करवाने में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, इट इज़ अबेटिंग सुसाइड। देन 364 ए इज़ किडनेपिंग, ठीक है ना, रिश्वत के लिए करते हैं ना, सॉरी रिश्वत नहीं, फॉर रैनसम, ठीक है ना, रैनसम के लिए करते हैं। देन 364 ए अगेन फॉर बैंडिट्री विद मर्डर। देन 376 ए अगर यू हैव रेप्ड समवन। तो इन सब में डेथ पेनल्टी है पनिशमेंट, तो इस पे तो चलता ही रहता है कि डेथ पेनल्टी अबॉलिश करो नहीं करो इस टाइप का। तो ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज हैं रिलेटेड टू द आईपीसी। नाउ द क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स। 2003 में एक कमिटी आई, मलिमत कमिटी, इसका नाम ध्यान रखना है, मलिमत कमिटी। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिकमेंडिंग सेवरल फार रीचिंग पीनल रिफॉर्म्स, इंक्लूडिंग सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन टू स्ट्रीमलाइन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि सेपरेशन करो इन्वेस्टिगेशन का और प्रोसिक्यूशन का, जिससे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर ट्रैक पे आ सके, स्ट्रीमलाइन हो सके, ठीक है। तो ऐसा यूके में होता है, इसीलिए द एसेंस ऑफ द रिपोर्ट वॉज अ परसीव्ड नीड फॉर शिफ्ट फ्रॉम एन एडवर्जेरियल टू एन इनक्यूसिटोरियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो कि कॉन्टिनेंटल यूरोपियन सिस्टम पे बेस्ड है, कि आप इन्वेस्टिगेशन को प्रोसिक्यूशन से अलग रखो। इन्वेस्टिगेशन एक जना करेगा और प्रोसिक्यूट फिर दूसरा जना करेगा, जिससे मिक्स नहीं हो किसी का भी काम किसी से। तो ये मेन उनकी रिपोर्ट थी, किसकी, मलिमत कमेटी की, ठीक है। कुछ अमेंडमेंट्स आए, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। इट हैज़ बीन अमेंडेड 76 टाइम्स, तो अमेंडमेंट्स के बारे में भी हम किसी और चैप्टर में लेंगे, अलग चैप्टर में लेंगे, जिससे वो इजीली आपका अमेंडमेंट्स का एक पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। तो इस कोड को 76 बार अमेंड किया है, अभी तो आप यही समझ लें। एंड लास्टली इट हैज़ बीन अमेंडेड इन 2013 एंड द लॉ अमेंडेड वॉज द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। बस ये ध्यान रखो अभी तो आप लोग, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ठीक है। नाउ अक्लेम, मतलब इसको काफ़ी जो है अक्नॉलेजमेंट मिला है और काफ़ी इसकी सराहना भी हुई है, हमारा जो इंडियन पीनल कोड है। सो द कोड इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज अ कोगेंटली ड्राफ्टेड कोड। बहुत ही अच्छा कोड बनाया है, अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो ये कहा है कि हाँ उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, बट अहेड ऑफ इट्स टाइम, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कोड है ये, ठीक है। देन इट हैज़ सब्सटेंशली सर्वाइव फॉर ओवर 150 ईयर्स इन सेवरल ज्यूरिसडिक्शंस विदाउट मेजर अमेंडमेंट्स। तो ये कई ज्यूरिसडिक्शंस में तो 150 साल से सर्वाइव कर रहा है और इसमें ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी नहीं हुए हैं। देन द मॉडर्न क्राइम्स इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी अनहर्ड ऑफ ड्यूरिंग मैकॉले'स टाइम फिट ईजिली विद इन द कोड, मेनली बिकॉज ऑफ द ब्रॉडनेस ऑफ द कोड्स ड्राफ्टिंग। और ये भी कहा गया है, कई लोगों ने ये भी कहा है कि मैकॉले के टाइम पे जब ये कोड बना था उस समय टेक्नोलॉजी इतनी थी ही नहीं, तो पता नहीं था कि हाँ साइबर क्राइम्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो क्राइम हो सकते हैं इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी, ये सब उस समय नहीं पता था। बट
ये कोड इतना फ्यूचरिस्टिक है कि उसने उन सब क्राइम्स को भी अपने अंदर इजीली फिट कर लिया है, क्योंकि ब्रॉडनेस बहुत अच्छी है, कोड की जो ड्राफ्टिंग हुई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। सो गाइज, ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक दो दो चैप्टर्स उठाएंगे पीनल कोड के, और उसके जितने भी सेक्शंस हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेड अप, इन सब जगह भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।